जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला, M&T न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की विशेष खबर। विश्व शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की 2560वीं जयंती प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी देश भर में हर्षोल्लास के साथ बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। मध्य प्रदेश के पटेल स्मारक संस्थान पटेल नगर शहडोल में भी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के तत्वावधान में शनिवार दिनांक 18 मई को महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की जयंती समारोह मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीय दुर्गा प्रसाद यादव इन्होंने की। यहां मुख्य अतिथि के रूप में बामसिप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय SR मौर्य मौजूद थे। तथागत गौतम बुद्ध भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऐसे महापुरुषों में शामिल रहे जिन्होंने पूरी मानव जाति पर छाप छोड़ी। बुद्ध पूर्णिमा न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने न केवल अनेक प्रभावी व्यक्तियों बल्कि आम जन के हृदय को छुआ और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। गौतम बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और उनका निर्वाण दिवस भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। यानी यही वह दिन था जब बुद्ध ने जन्म लिया, शरीर का त्याग किया और मोक्ष प्राप्त की। मध्य प्रदेश में शनिवार दिनांक 18 मई को पटेल स्मारक संस्थान पटेल नगर शहडोल में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के ओर से महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध इनका जयंती समारोह मनाया गया, जहाँ बुद्ध का जीवन दर्शन एवं समाज निर्माण इस विषय पर प्रबोधन सत्र आयोजित किया गया था, जिसके मद्देनजर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बामसिप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय SR मौर्य ने तथागत बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाला। माननीय दुर्गा प्रसाद यादव इनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए, साथ ही बुद्ध वंदना कर तथागत गौतम बुद्ध का स्मरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय महासचिव माननीय हेमराज सिंह पटेल ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के मध्य प्रदेश प्रदेशाध्यक्ष समय लाल प्रजापति इन्होंने बुद्ध के समाज जीवन निर्माण में योगदान की विशेष चर्चा की। आप सभी को भाव नमो बोधाय। आदरणीय मंच एवं इस कार्यक्रम में आए हुए मेरे साथियों भाई, बौद्ध दर्शन का एक मेन चीज ये है राजनैतिक। राजा का दायित्व प्रजा पर शासन करने का नहीं है, उसका निपटारा करना ही बौद्ध दर्शन। ना भगवानों की लीला होती, ना अवतारों का नाटक होता, ना कोई झूठा काजी होता, ना कोई लफंगा साधु होता। इंसानियत के दरबार में सबका भला होता। तू भी इंसान होता, मैं भी इंसान होता, मैं भी इंसान होता। ओम नमो। था बुद्ध जी की कुछ किताबें भी मैंने पढ़ लिखी थी। जगह जगह मुझे तथागत शब्द मिला। मैं नहीं समझ पा रहा था तथागत शब्द है क्या और तथागत शब्द का अर्थ क्या है। एक दिन मैं बड़े ही उत्साहपूर्वक किंतु संकोच में भाई हेमराज से मैंने पूछा कि भैया तथागत शब्द क्या है, तो हेमराज जी ने बताया और उससे मेरे को सब समझ में आ गया कि तथागत क्या है। उन्होंने कहा जो तथ्य से अवगत हो वही तथागत है। कार्यक्रम में कन्या महाविद्यालय शहडोल की प्राचार्य माननीय डॉक्टर उषा नीलम प्रमुखता से उपस्थित रही एवं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के उत्तर प्रदेश प्रदेशाध्यक्ष आर के विद्यार्थी इन्होंने भी अपनी बात रखी और उन्होंने महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के करुणा, शील, मैत्री के उपदेश के बारे में प्रकाश डाला। तो ये सबसे पहले मानव सभ्यता में आया और जब उनकी चालाकी को कुछ महापुरुषों ने भांप लिया कि ये चालाक लोग हैं, बदमाश लोग हैं, आम जनता की गाढ़ी कमाई को लूट रहे हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने आंदोलन चलाया। उसको कहते हैं एक देववाद। पैगंबर कहते हैं उसका नाम था इब्राहिम। ईसा से 2200 साल पहले वो आया।
और उसके सबसे पहले जो अनुयायी बने वो थे असुर। आज हम भारत के लोग अज्ञान से पीड़ित हैं। जो थोड़ी सी जागृति आई तो हम लोगों ने कहना शुरू किया कि हम लोग असुरों के वंशज हैं। ये गलत है, असुरों के वंशज हम नहीं हैं। ये असुर सबसे पहले हजरत इब्राहिम के अनुयायी बने जिन्होंने एक देव का आंदोलन चलाया। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के आयोजन में पटेल स्मारक संस्थान पटेल नगर शहडोल में भारी संख्या में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के कार्यकर्ता एवं अन्य मूल निवासी बहुजनों का खासा योगदान रहा। MNT न्यूज नेटवर्क के लिए मध्य प्रदेश शहडोल से किशन लाल झारिया की रिपोर्ट।